एक अच्छे ब्रेक के बाद क्रिकेट ब्रेक, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर हमारा थर्ड इवेंट जो कि क्या था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। देखो बेटा ये इफेक्ट इस बंदा को शुरुआत में कहा था किस टाइप का इफेक्ट होगा, ये टेम्पररी टाइप का इफेक्ट होगा। टेम्पररी टाइप का इफेक्ट मतलब जब तक कि इसको कोई बाहर से इन्फ्लुएंस करेगा तब तक ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को या अपने इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को डीलोकलाइज रखेगा। जैसे ही वो स्पीशीज इससे दूर चली जाएगी, इस स्पीशीज से दूर चली जाएगी, ये अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को रोक देगा। क्या बात समझ आ रही है? दो दोस्त हैं, एक दोस्त अच्छा है, ना दारू पीता है ना गुटखा खाता है ना सिगरेट पीता है, साथ में एक था दोस्त है जो एक दारू भी पीता है गुटखा भी खाता है तंबाकू भी खाता है। जब तक दोनों साथ रहेंगे बुरा वाला अच्छे वाले को क्या करेगा, लगातार मोटिवेट करेगा कि बेटा दारू पी, इसमें दुनिया के हर चीज का सॉल्यूशन है, सिगरेट पी तेरा टेंशन कम हो जाए। अब वो डिपेंड करता है आप पर कि आप उससे वो चीज लेते हो या नहीं। वैसे तो मैं आपको कहूंगा कि सब चीजें बुरी चीज होती है, स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स। और अगर आपको सच में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अपना जेई वगैरह अगर आपको क्लियर करना है, इफ यू हैव टू क्लियर योर नीट, आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, देन यू शुड अवॉइड दीज डिस्ट्रैक्शंस। ये डिस्ट्रैक्शन आपके लिए काफी ज्यादा खराब हो सकता है। तो जोक अपार्ट, मैं आपको जोक के फॉर्म में चीज बता रहा हूँ, आई डिडंट मेंट एनीथिंग कि आप ये सब चीजें सीखो, बट सिर्फ आपको जोक से फॉर्मेट बता रहा हूँ। दो दोस्त हैं, एक दोस्त दूसरे दोस्त को इन्फ्लुएंस करता है, वो अच्छी चीज के लिए भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। एक बच्चा जो नहीं पढ़ रहा होता है, वो एक ऐसे दोस्त के साथ अगर हम बैठा रहते हैं यहाँ पर क्लासरूम में, हम लोगों ने भी किया है दूसरे बच्चों के साथ, तो वो क्या करने लग गए, पढ़ने लग गए। क्यों? क्योंकि दूसरा बच्चा पढ़ रहा था तो उसने भी देखा कि मुझे पढ़ना है तो मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूँ। और कुछ बच्चे जब हम निकाल गए यहाँ से तो वो इसीलिए उनको निकाला था, क्यों? क्योंकि वो साथ वालों को उन्होंने इन्फ्लुएंस कर रहे थे और उनको पढ़ने डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, उन्होंने पढ़ा दिया। तो बेसिकली बात यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, बेसिकली किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से होगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। लेट्स से यू हैव अ कंपाउंड सी डबल बॉन्ड सी, ये आपके पास एक कंपाउंड है विद अ डबल बॉन्ड। हाँ, एक चीज जो मैं आपको बताना आपको जरूरी समझता हूं, दिस इफेक्ट इज ओनली ऑब्जर्व इन द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स, इज दैट क्लियर? आई एम मेकिंग माय सेल्फ वेरी क्लियर, ठीक है? तो ये डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स में बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल टू दिस अनसैचुरेटेड कंपाउंड, द स्पीशीज इज विद द एक्स पॉजिटिव चार्ज, ओके, एच प्लस ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। ये जाएगी और जाकर एनी वन ऑफ द कार्बन उस पर अटैक करेगी। नाउ इस अटैक करने की वजह से ये जो आपका डबल बॉन्ड बनाने वाला पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, या ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, बेसिकली दे विल शिफ्ट टूवर्ड दिस कार्बन। Are you getting my point? जब एक positively charged species आई और positively charged species ने आकर इस कार्बन पर अटैक किया, okay? तो ये जो pi electrons जो है, the pi electron cloud, this pi electron will go and shift to the this carbon atom. इसके ऊपर क्या होगा? You will observe that C, अब यहाँ पर pi electron चला जाएगा, single bond बचेगा C, और ये H आपका यहाँ जुड़ेगा। तो बेसिकली मैं ऐसा कहूंगा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड था यहां से यहां पर शिफ्ट हो गया। आपको बात समझ में आ रही है चीज? मतलब इस वाले इफेक्ट में क्या होगा, दैट योर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स टुवर्ड्स, किस तरफ शिफ्ट होगा, ये दे शिफ्ट टुवर्ड्स द अटैकिंग एटम, हमेशा लिखेंगे अटैकिंग एटम। तो बेसिकली ये जो एक्स पॉजिटिव वाला दिखा रहा है, जो अटैकिंग ग्रुप, आई मीन द ग्रुप जो कि आपके इस वाले कंपाउंड पर इन्फ्लुएंस कर रहा है टू डीलोकलाइज द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज प्लस ई इफेक्ट। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? प्लस ई इफेक्ट में पॉजिटिवली चार्ज अटैकिंग स्पीशीज आपके अनसैचुरेटेड कार्बन पर जाकर अटैक करेगा, और यही कार्बन अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ
खींच लेगा, मतलब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये अटैकिंग ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ऑन अदर हैंड लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल, अगेन आई हैव टेकन द सेम स्पीशीज, इस वाले केस में क्या होगा, अब आप देख सकते हैं मैंने यहां पर अटैकिंग रीजन बदल दिया। नाउ योर साइन एंड डाइट्राइल ग्रुप बेसिकली इज द अटैकिंग रीजन, नाउ दिस इज योर अटैकिंग रीजन। अब ये क्या होगा, अब ये अटैकिंग रीजन जाएगा एंड इट विल गो अटैक दिस कार्बन। नाउ बिकॉज़ ऑफ दिस अटैकिंग रीजन जिसके पास ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज है, ये कार्बन को अपने इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, इस पाई इलेक्ट्रॉन को इस अटैकिंग रीजन की तरफ लाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसके पास ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो इन दिस केस दिस डबल बॉन्ड विल मूव अवे फ्रॉम द अटैकिंग रीजन। क्लियर हो रही बात आप लोगों को? तो यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बना होगा, आपका CN यहां जुड़ जाएगा, दिस कार्बन विल ऑक्यूपाई नेगेटिव चार्ज। पहली बात आप लोगों को समझ में, दैट मींस योर पाई इलेक्ट्रॉन हैव बेसिकली शिफ्ट अवे फ्रॉम द अटैकिंग रीजन। हम यहां पर लिखेंगे इस वाले केस में दैट योर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द अटैकिंग एजेंट and this effect is known as minus E effect। आगे आप लोगों को बात समझ में, minus E effect throughout in your aldehyde pedones carboxylic acid chapter, haloalkene haloalenes chapter, alcohol phenol ethers in your organic chemistry, we will continue to talk about these effects, but I am not going to explain you these concepts over there। हम इन concepts की बात वहाँ पर नहीं कर पाएंगे because of immense pressure of our syllabus, बहुत ज़्यादा detail में chapters में पढ़ने पड़ेंगे, in NCERT also they are given in very deep, very detail, so we won't have time there to consider these phenomena। I will just tell you about that plus E effect हो रहा होगा या minus E effect हो रहा होगा, आपको अपने मन में ये चीज़ imagine करनी पड़ेगी। plus E effect में जब आपका attacking group attack कर रहा होगा तो आपके pi electron के cloud को आपको attacking region की तरफ shift करना है, और जब मैं आपसे कहूंगा माइनस ई इफेक्ट तब आपको आपके पाई इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को, पाई इलेक्ट्रॉन्स को अटैकिंग ग्रुप से दूर करना है। ये बात आपको समझ में आ गई? सो दिस इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व ओनली इन डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स इन प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग ग्रुप, इट इज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अनदर टेम्पररी काइंड ऑफ इफेक्ट। प्लीज हैव अ लुक एंड देन वी विल स्टार्ट आवर लास्ट टॉपिक, that is hyper conjugations। अगर आपको एक चीज़ नोट करनी होती है और आपको लगता है कि मैं काफी फास्ट रब कर दे रहा हूँ चीजों को बोर्ड से, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप उसको लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। लास्ट टॉपिक इज आवर हाइपर कंजुगेशंस। नाउ हाइपर कंजुगेशन बेसिकली क्या बेटा, देखो ये एक अगेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है, ये स्टेबलाइजिंग इफेक्ट रहेगा और यहां पर यू विल ऑब्जर्व द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। हियर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैव बिकम सिग्मा बॉन्ड्स आर डीलोकलाइज्ड, आपके सिग्मा बॉन्ड्स बेसिकली यहां पर क्या होंगे, डीलोकलाइज्ड होंगे। और ये चीज आपको कब देखने को मिलेगी, व्हेन योर CH यानी आपका कार्बन हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड होगा, या तो कार्बन हाइड्रोजन होगा, ये कार्बन होगा, इज अटैच्ड टू एन अनसैचुरेटेड, टू एन अनसैचुरेटेड CH3 CH
डबल बॉन्ड CH2। हाइपर कॉन्फिगरेशन आपको ऐसे कंपाउंड्स में प्रिसाइजली देखने को मिलेगा। तो हम लोग बात करेंगे इस CH की जो कि इस डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या होगा, हम यहां पर हाइपर कॉन्फिगरेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन क्लियर है? हाइब्रिडाइजेशन जब हमने बात करी थी तो मैंने आपसे कहा था व्हेनेवर अ कार्बन इज अटैच्ड विद अ सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड कार्बन होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा बेटा आप लोग क्या लिखोगे sp3। गुड, इसका क्या लिखेंगे आप लोग हमेशा sp2। और इसका भी आप लोग क्या लिखोगे हमेशा sp2। इस sp2 में एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं, यहां पर हम लोग जो स्पीशीज बनाया था मैंने इसको हटा दिया यहां से, तो ये इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा और यहां पर हम लोग इसको जैसा देख पाएंगे दैट इज ch3। हम लोग इस कंपाउंड में बेसिकली क्या बात करेंगे, हम लोग इस कंपाउंड में बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ने की। लेट्स ऑब्जर्व दिस कार्बन, अगर मैं इस कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाऊं तो मुझे एक sp3 इधर बनाना पड़ेगा। दिस इज योर sp3, एक sp3 आपका ये वाला हो जाएगा, एक sp3 आपका ये वाला हो जाएगा, या फिर तीन sp3 होगा, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर। तीनों के लिए आप लोगों ने नाम लिख दूंगा sp3 ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि तीनों ऑर्बिटल कैसे हैं, sp3 टाइप के हैं और चौथा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको यहां देखने को मिलेगा जो कि इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्डिंग। नाउ दिस कार्बन इज योर sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड में आपको कितने ऑर्बिटल लगाने पड़ेंगे, तीन ऑर्बिटल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आप सही बात कर रहे हो। तो यहां पर मैं एक ऑर्बिटल बनाऊंगा जिस जो पहला sp2 ओवरलैपिंग होगा इनकी, एक sp2 मुझे यहां पर बनाना पड़ेगा इस तरीके से sp2, यहां पर हाइड्रोजन लिखेंगे, एक sp2 हम यहां बनाएंगे, यहां पर हमें हाइड्रोजन लिखेंगे और यहां पर मुझे बनाना पड़ेगा प्लस चार्ज। अब आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, मैंने यहां पर sp2 बनाया लेकिन क्या इसका p ऑर्बिटल मैंने ड्रॉ किया नहीं, तो इसका जो एंटी p ऑर्बिटल है इस पर आपको लिखा है प्लस चार्ज। तो जो प्लस चार्ज आया है क्यों आया है, क्योंकि इस p ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जा चुका है। तो ये इस एमटी पी ऑर्बिटल को, दिस इज योर जो मैंने शेडेड लाइन से बनाया है, दिस इज योर एमटी पी ऑर्बिटल। अब देखिए क्या होगा, इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में एक बॉन्डिंग इधर हो गई, एक बॉन्डिंग इस हाइड्रोजन से हो गई, एक बॉन्डिंग इस हाइड्रोजन से हो गई और ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि ये पी ऑर्बिटल जो इसका खाली है। अब बारी बारी से ये p ऑर्बिटल अपने पास वाले कार्बन के इन हाइड्रोजन से इनके इलेक्ट्रॉन से बिजी करेगा, इस तरह शिफ्ट करता जाएगा, एक डबल बॉन्ड बनाता जाएगा और हाइपर कॉन्जुगेशन बनाता जाएगा। तो पहले केस की अगर मैं बात करूं तो पहले केस में ये इस तरीके से उनको हाइपर कॉन्जुगेट करेगा। ठीक है, तो जब क्या होगा हाइपर कॉन्जुगेट करेगा, हाँ ठीक है, तो ये जो हाइपर कॉन्जुगेट करेगा तो क्या होगा CH, यहां पर आना मॉलिक्यूल बना दिया, यहां पर आ जाएगा एच पॉजिटिव क्योंकि अब ये बॉन्ड उतर कर कहां आ चुका है, यहां डबल बॉन्ड में, तो आपका पहला कॉन्जुगेशन हो गया। ध्यान रखिएगा बेटा ये सारे ऑर्बिटल्स में जो मैंने शेडेड लाइन से ऑर्बिटल बनाया है ये आपका पी ऑर्बिटल है और ये अपने नेचुरल डंबल शेप फॉर्म में रहेगा। इसकी और एंटी पी ऑर्बिटल में इसका शेप आप कैसा बनाएंगे, डंबल शेप। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नाउ सेकंड बार क्या होगा, सेकंड टाइम में क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड आई मीन ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइपर कॉन्जुगेशन में चले जाएगा और अब ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर आपको दिखेगा एच पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको स्टेबलाइज किया है। और थर्ड केस में ये वाला ऑर्बिटल इसका हाइपर कॉन्जुगेशन में चले जाएगा, तो ये आपका पहला केस हो गया, ये आपका दूसरा केस हो गया। तीसरे केस में क्या होगा, इन द थर्ड केस यू विल ऑब्जर्व दैट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन 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 और यहां पर क्या आ जाएगा एक प्लस चार्ज। तो इस तरीके से आपके हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को हम लोगों ने यहां पर डेमोंस्ट्रेट किया। ये हमेशा आपको कहां देखने को मिलेगा, एक स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है, ये हमेशा आपको सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइजेशन देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो ये
ये सारे बॉन्ड किस तरीके के थे जो डीलोकलाइज हो गए, सिग्मा बॉन्ड्स, और डीलोकलाइज हो गए इन्होंने कैसा बॉन्ड बना लिया, एक पाई बॉन्ड बना लिया, जो कि एक टेंपरेरीली स्टेबलाइजिंग इफेक्ट को आप इससे बोल सकते हो। और लगातार एच पॉजिटिव लगातार ये घूमता जाएगा और अंदर क्या करेगा, स्टेबलाइज करता जाएगा। और ये आपको हमें कहां देखने को मिलेगा, इन द कंपाउंड वेयर CH is attached to an unsaturated carbon, an unsaturated carbon in the basically आपको देखने को मिलेगा। So this effect is known as hyperconjugations। कोई डाउट है इसके अंदर आप लोगों को, जस्ट एक बार बड़े अच्छे से आप लोग अपनी NCERT को ऑब्जर्व कर लीजिए, मैंने बड़े बेसिक लेवल पे जाकर आप लोगों को ये चीज समझाई है। ध्यान रहे मैंने सिर्फ स्कूल लेवल्स के लिए ये वीडियो लेक्चर बनाए हैं, जस्ट आपके NCERT को क्लियर कराने के लिए बेसिकली बनाए हैं, समझाने के लिए आपको बताए हैं। अब एक चीज आप करिएगा, इस चैप्टर के सारे एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन और एग्जांपल्स आप अपने लेवल पे सॉल्व कीजिए। जो नहीं बने, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि NCERT का कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है, आप मुझे मेल कर सकते हैं तो मैं आपको उसके आंसर्स लिखकर वीडियो लेक्चर्स बना के डेफिनेटली आपको दूंगा। मेरा जो पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है ऊपर यहाँ पर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो दिस कंप्लीट्स आवर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th 12th चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर हमारा खत्म होता है। होप टू सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। थैंक यू।